अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च, जैन यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा वह तो सातवें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। आप जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है, मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जेन, मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जैन को ओरियो मिले हैं। वाओ, यस। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ, वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जेन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जेन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है, शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स, वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जेन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है, क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है, कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। वाओ, यस। ओ, स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे, बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे, शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें, या डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद, आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है।
और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है, अंडे। खैर, उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। वाह, अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंट मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जेन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहाँ लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बर्ड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? Yeah. मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जेन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। ओह, उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वो वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जेन अपने विचारों में उलझी हुई है। आहा। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम दो मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी दो मार्शमेलोस कहाँ गए। छी। क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? Yes. वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वह एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा?
बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। यह शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। वाह, जेन को इसे काटने से पहले दो बार सोचना चाहिए। बैम, यह थी बड़ी सी कोको बिस्फोट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने यह कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सुशी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपने व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। वाओ, चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप्स से अपनी नजर एक सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी। और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी। और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस Yes! No! कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जेन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जेन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? जी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से अपने बेकार शरारते बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है। चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। नहीं मैरी, तुम्हें अपनी उंगलियों को फाउंटेन में नहीं डालना है। चलो कैंडी का इंतजार करें।
तो हमने इंतजार किया, ये कैक्टस है। तुम्हें क्या मिला है? ओ यार, चिंता मत करो मैरी, मैं तुमसे ज्यादा लकी हूँ। ये गमी आईज है। ये सही नहीं है, मुझे लगता है सब सही है। इसकी महक कितनी अच्छी है, मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं एक बार में दो खाऊंगी। स्वादिष्ट। और मुझे ये रंगीन गमी रिबन बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छा है। और वैसे मैरी, इन गमी के अंदर स्वादिष्ट जेली है। ज्यादा बड़ा चढ़ा कर मत बोलो, और अब अपने गमी को जल्दी फाउंटेन में डालो। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ गमी मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है। ये बहुत अच्छा है और कितना स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि अब दो ही स्टिक्स बचे हैं, लेकिन मैं सारे खा जाऊंगी। हे मेरी, देखो, अब मेरा गमी कैंडी चॉकलेट में ढकने वाला है। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं ये हमेशा खा सकती हूँ। हो मैरी, लग रहा है तुम मुझसे जल रही हो। केट कैंडी के साथ बहुत लकी है, और मेरे पास एक कैक्टस है। हाँ, मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। वाओ, अपने आप को रोक पाना असंभव है। ये सब बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है मैरी, मेरा हो गया। लगता है तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हारे चेहरे पर चॉकलेट है, ये कोई समस्या नहीं है। मैं इन सबको चाट लेती हूँ। ओह वकील, जाहिर है ये मेरे कैक्टस को खाने का समय है। मैं सब बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बहुत कांटेदार है। या हो सकता है कि चॉकलेट के साथ कैक्टस को खाएंगे तो इतना कांटेदार नहीं होगा। इसे जांचना होगा। नहीं, अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं उसे फिर से चॉकलेट में डालती हूँ। तुम क्या कर रही हो मैरी? ओह, यह काम किया। देखो, ये एक आइसक्रीम जैसा दिख रहा है। मैं इसे खाऊंगी। स्वादिष्ट। और सबसे महत्वपूर्ण, यह सुरक्षित है, एक भी कांटा नहीं। मैरी, यह मत भूलो कि सभी कांटे अंदर हैं। सावधान रहना। खैर, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। स्वादिष्ट। ओह, मेरे मुंह में कुछ चुभ रहा है। सच में कैक्टस कांटे? ओह, कोई उन्हें हटाओ। मैरी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ये अच्छी बात है कि मेरे पास ट्वीज़र है। मुझे अपनी जीभ दो। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, दर्द हो रहा है। सावधान रहो। कैक्टस खाते समय तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। तुम सही कह रही हो। क्या तुम्हारा हो गया? ओ वाह, बढ़िया। अच्छा किया केट, धन्यवाद। कोई बात नहीं दोस्त। वाह, केला और मीठे स्प्रिंकल्स, बढ़िया है। इस बार तुम मुझसे ज्यादा लकी हो। कच्ची मछली? मुझे तुमसे कोई जलन नहीं हो रही है केट। ठीक है, मुझे पहले करने दो। वाह, स्वादिष्ट केला। मैं इसे छील दूंगी। यह अच्छा लग रहा है। अब इसमें चॉकलेट लगाऊंगी। केला और चॉकलेट की जोड़ी सबसे अच्छी है। वाओ। और अब इसे स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। यह इस तरह से अधिक सुंदर और स्वादिष्ट होगा। वाह, यह आश्चर्यजनक निकला। मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट। अब मैं हमेशा चॉकलेट के साथ ही केला खाऊंगी। ओह, खैर, केले खत्म हो गए हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी स्प्रिंकल्स हैं। मेरे पास एक आइडिया है, इसे फाउंटेन में डाल सकते हैं, तो चॉकलेट और भी स्वादिष्ट होगी। कितना सुंदर, यह अद्भुत लग रहा है। वाह, फाउंटेन ने रंग बदल लिया है। वाह वाह, पर कितने अफसोस की बात है कि मुझे सुंदर चीज में इस घिनौनी मछली को डालना होगा। ठीक है, अभी या बाद में यह करना ही होगा। चलो मछली, इस चॉकलेट में डुबकी लगा लो। यह अच्छा लग रहा है, हालांकि यह अभी भी कच्ची मछली है, केवल चॉकलेट में। ठीक है, मैं खाती हूँ। सच कहूँ तो यह भयानक है, घिनौना स्वाद। मुझे बुरा लग रहा है। ओ सॉरी केट, चॉकलेट में कच्ची मछली केवल मछली से भी बदतर हो सकती है। बेचारी केट, वो इस दौर में बहुत बदकिस्मत निकली। शायद किसी तरह उसकी निराशा को कम किया जा सकता है। यह लो केट, इस स्ट्रॉ को पकड़ो। और मुझे इसके साथ क्या करना है?
ओह मुझे पता है, अच्छा आइडिया मैरी। आप फाउंटेन से सीधे चॉकलेट पी सकते हैं। मुझे लगता है कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मैं सहमत हूँ। आशा करती हूँ कि चॉकलेट फाउंटेन कभी खत्म ना हो। ओह हमने ये सब पिया केट? हाँ, और यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट था। वाह क्या वो मकई है? क्या मुझे वास्तव में उस पर चॉकलेट डालना है? लेकिन मेरे पास कोई सवाल नहीं है क्योंकि मेरे पास हबा बबा है। यह पहले से ही स्वादिष्ट है और यह चॉकलेट के साथ भी स्वादिष्ट होगा। मैं पहले शुरू करूंगी। मैं निश्चित रूप से जल्दी में नहीं हूँ। शुरू करो, चलो देखेंगे। देखते हैं। स्वादिष्ट। मैं चॉकलेट में रिबन कैसे डुबाऊं? मुझे पता है, मैं चॉकलेट को सीधे बॉक्स में डालूंगी और अब मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे ठीक से हिला दूंगी ताकि रिबन सभी चॉकलेट से ढक जाए। वाह यह बढ़िया निकला। अब मेरे पास चॉकलेट गम है, मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाह वाह स्वाद वही है जो मुझे चाहिए। मैं इसे अपने मुंह में पूरी तरह से भर दूंगी। स्वादिष्ट। और अब यह चॉकलेट मेगा बबल का समय है। वाह यह अच्छा निकला। और इतना ही नहीं है, मेरे पास एक दूसरा गम है। चलो फाउंटेन में जाओ, मैं वही काम करूंगी। फिर से अच्छे से हिला दिया और चलो अब देखते हैं। और इसे बड़े चाव से खाऊंगी। बढ़िया, तुम्हें खाते देखकर तो लालच आ रहा है कि वाह और बबल कितना अच्छा है। हाँ वह तो है। और तुम्हारा मकई कैसा है? अभी भी यहाँ है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। ठीक है मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी, शायद ये स्वादिष्ट हो जाएगा। अच्छी खुशबू आ रही है, मैं खाकर देखती हूँ। हाँ ठीक ही है, कैक्टस जैसा नहीं है पर हबा बबा जैसा भी नहीं है। और क्या होगा अगर हम इस मकई को थोड़ा सुधार करें? मेरे पास में एक बर्नर था, इसे चालू करें और गर्म करते हैं। अगर मैंने सब कुछ सही ढंग से किया है तो मुझे एक सुगंधित महक मिलनी चाहिए। पॉपकॉर्न। देखो केट, यह भी चॉकलेटी है, पर इसका स्वाद कैसा है? बढ़िया। और अगर पास में पॉपकॉर्न हो तो इसका मतलब है कि आप शानदार वीडियो देख सकते हैं। ओह कुकिंग चैलेंज, कूल। मुझे ये पसंद है। यह कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि अंत में कौन जीतेगा। वाह मुझे भी पॉपकॉर्न पसंद है। जबकि मेरी वीडियो देखने में व्यस्त है, मैं उसका पॉपकॉर्न चुरा सकती हूँ। आह दर्द हो रहा है। बिना पूछे मेरा पॉपकॉर्न मत लो। देखो यहाँ एक ऐसा रोमांचक क्षण है। ठीक है अपने पॉपकॉर्न खाओ लालची। इस चॉकलेट फाउंटेन से अपने को रोक पाना असंभव है। कितना स्वादिष्ट। हो और यहाँ ट्रीट है। वाह मेरे पास ओरियो कुकीज है, कूल। तुम्हें क्या मिला है? और मेरे पास कोई कैंडी नहीं है, यह नींबू है एकदम खट्टा। मैं अभी से कल्पना कर सकती हूँ कि उन्हें खाते समय तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। हाँ इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। हो सकता है कि अगर चॉकलेट में नींबू डालते हैं तो इतने खट्टे नहीं होंगे, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। हमें जल्दी करना होगा। चलो करती हूँ। नहीं अभी भी खट्टा है। मैं आज इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मैं ये नहीं जानती कि तुम्हें क्या कहूँ। मैरी मुझे कोई समस्या नहीं है। ओह तुम कितनी रूढ़ हो। ठीक है खट्टी नींबू, फाउंटेन में जाओ, मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगी। कुछ भी नहीं बदला, अभी भी खट्टा। ठीक है बस उन सभी को जल्दी से जल्दी खाना चाहिए। केट तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितना खराब है। हाँ तुम्हें देखकर ही मेरी तबीयत खराब हो रही है। बस एक लास्ट पीस बचा हुआ है। ओह मेरी ऐसे क्यों रोना? नैपकिन पकड़ो, अपना चेहरा पोंछ लो और तुम फिर से सुंदर बन जाओ। ओह धन्यवाद केट, तुम बहुत अच्छी हो। छी मेरी, मैंने कहा अपना चेहरा पोंछो, अपनी नाक मत छिड़को। छी इसे फेंको घिनौना। ओह वैसे मैं अपना समय नहीं बर्बाद कर सकती, मेरे पास मेरा ओरियोज है। माफ करना मैरी, मैं अब और तुम्हारे ड्रामा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं स्वादिष्ट कुकीज मेरा इंतजार कर रही है और मैं उन्हें जल्दी से खाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं उन्हें चॉकलेट में डुबो दूंगी। चॉकलेट में चॉकलेट कुकीज, बढ़िया कॉम्बो। कितना स्वादिष्ट।
बस अपनी उंगलियां चाट कर खाने लायक है यह। वाह। बस एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है। हमें सभी कुकीज को पैक से बाहर निकालने और उन्हें ठीक से छोटे टुकड़े में करने की आवश्यकता है। कराटे के गुड़ यहाँ काम आएंगे। और अब एक हेड बाट। बढ़िया, सब करना है। केट, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल। आखिरकार मेरे पास एक शानदार आइडिया है। ओरियोस टुकड़ों के साथ एक बैग में चॉकलेट डाल सकते हैं। इसमें एक स्टिक डालें और इसे फ्रीज करें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा? मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट बनेगा। बिल्कुल, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं जल्दी में नहीं हूँ। बढ़िया, मैं इन्हें फ्रीजर में रख दूंगी। और अब मैं टाइम सेट कर देती हूँ। कुछ घंटे पर्याप्त होंगे। सुपर, इसे बाहर निकालने का समय है। वाह, लगता है यह काम किया। हे केट, तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। पहले हम इसे छड़ी से लेते हैं, इसे पलट देते हैं और बैग को हटा देते हैं। कूल। देखो मैरी, एक अद्भुत ओरियो आइसक्रीम निकला। बहुत स्वादिष्ट। और अगर इसे फाउंटेन में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। चॉकलेट के साथ चॉकलेट। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ। केट, मुझे लगता है कि तुम मुसीबत में हो। तुम कैसी हो? असल में जमी हुई, फिर तुम्हें तुरंत गर्म करने की जरूरत है। चलो अपने आप को कंबल के साथ कवर करो। चलो, इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम। धन्यवाद मैरी, एक दोस्त की मदद करने में खुशी हुई। केट कितना ललचा कर खा रही है। खैर, वो तो मुझे देगी नहीं। यह लो मैरी, आखिर तुमने मेरी मदद की है। दिलचस्प, यह यहाँ क्या है? वाह, मार्शमेलो। अरे बाप रे, कितना भयानक। हाँ, ये पक्का है मेरे पास बदबूदार चीज है। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं। मेरे पास एक आइडिया है, मार्शमेलो तुम्हें इस गंध से बचाएगा। केट, चीज को जल्द से जल्द खत्म करो, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। क्या मुझे इसे खाना होगा? मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अगर मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूं, तो क्या यह इस तरह से महकना बंद कर देगा? मेरी राय में कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, मैं एक छोटा सा बाइट लूंगी। घिनौना। इस भयानक चीज का आविष्कार आखिर किसने किया? ये केवल चूहों को खिलाने लायक है। कितना बेकार। ओह, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे इस घिनौने स्वाद को हटाने के लिए कुछ चाहिए तुरंत। ओह, चॉकलेट, मुझे यही चाहिए। बढ़िया है। ओह, लेकिन मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। मुझे अपना चेहरा पोंछना है, कुछ ढूंढना होगा। केट, ये मेरी टी शर्ट है, कोई तौलिया नहीं। अपने से साफ करो। मैं अपने आप को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहती थी। और मेरे बारे में क्या? ओह, ये अजीब निकला। अरे मैरी, तुम अपना मार्शमेलो क्यों नहीं खाती हो? ओह हाँ, मेरे मार्शमेलो भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। मैं फिर से चॉकलेट में मार्शमेलो को डालूंगी। स्वादिष्ट। वाह, मैरी को खाते देखकर लालच आ रहा है। मैं भी खाना चाहती हूँ। सॉरी केट, लेकिन मार्शमेलो मेरे हैं, तो मैं उन्हें खुद खाऊंगी। बस ऐसे ही एक एक करके। स्वाद तो बस कमाल का है। ओह, एक मार्शमेलो फवारे के ऊपर गिर गया। मैं उसे वापस ले लूंगी, इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, तो यह बात है, तुम तलवारबाजी करना चाहती हो, और जो जीतेगा उसे आखिरी मार्शमेलो मिलेगा, और वह मैं हूँ। अब मैं इसे खाऊंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ठीक है, लेकिन मैं बाकी खाऊंगी। वैसे दो और बचे हैं, मैं इसे चॉकलेट में डुबो दूंगी। हाँ, इसकी महक बहुत अच्छी है, स्वादिष्ट। मैरी, वे तुम्हारी नाक में थे, तो क्या वे उतने ही स्वादिष्ट है? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ओह, केक। इसकी फ्रॉस्टिंग तो कमाल की है। What? लेकिन जाहिर तौर पर हमें इसे खाने की अनुमति नहीं है। ओह, समझ गई। हमें केक में कुछ और चीजों को जोड़ना है।
ठीक है, मैं पहले। वाह, M&M's, मेरी किस्मत अच्छी है। ये कैंडीज बहुत रंगीन है। अब तुम्हारा केक इंद्रधनुषी रंग में ढक गया है और यह खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है जितना दिखने में। मैं भी अपने केक को खाना चाहती हूँ। अरे नहीं, मिर्च के अलावा कुछ भी दे दो। यह जल रहा है। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुम्हें इसे ऊपर से डालना ही होगा। पर मैं इसे छू भी नहीं सकती, मुझे डर लगता है। Oh no! Oh man! Oh, तीखा, तीखा, बहुत तीखा। कोई फायर डिपार्टमेंट को बुलाओ। तुमने क्या किया? तुमने मेरे केक को ही निशाना क्यों बनाया? अब ये तुम्हारा हुआ, लो। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन तुम गंदा खेलना चाहती हो तो फिर ठीक है, हम दोनों ही ऐसा कर सकते हैं। Are you ready? हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। चलो जाने के पहले कौन जाएगा? मैं देख रही हूँ कि तुम थोड़ी असमंजस में हो, इसलिए मैं जाती हूँ। No! अरे नहीं, नीला चीज। कितनी बदबू आ रही है। बुरा हुआ। मुझे इसके पास रहने के लिए गैस मास्क की जरूरत है। ठीक है, अब खाने का समय। ओ हाँ, मैंने मास्क पहन रखी है। हाँ, तुम्हें इसे हटाना पड़ेगा। पर मैं ऐसा करना नहीं चाहती। कितना खराब, ये जितना मैं कर सकती हूँ उससे बहुत अधिक है। तब फिर अब मेरी बारी, चलो देखते हैं। ओरियोस, शुक्र है। ओ, लग रहा है कि ये उड़कर मेरे पास आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे कुकी हैं, अलग अलग स्वाद में। अब सबसे अच्छे हिस्से के लिए, बहुत बढ़िया। क्या तुम अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं करना चाहती हो? पकड़ो। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? यह रहा मेरा जवाब। Here we go! मैं गिर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसे अब इसकी जरूरत है। मैं उसके लिए इसका ध्यान रख लूंगी। इस बार तुम पहले करो बेची। हाँ, खुशी खुशी। गाजर, बहुत बढ़िया। मुझे गाजर बहुत पसंद है। कितना अच्छा स्वाद है। तुम्हें पता है तुम मुझे क्या याद दिला रही हो? खैर, कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। अब फाइनल टच, और अब मैं खा सकती हूँ। तुम्हें पता है, इसे खाना बहुत आसान है। यह केक के टुकड़े को अच्छे से पकड़ता है। यह क्या हो रहा है? ओ, तुम बहुत प्यारे हो। यहाँ आओ प्यारे खरगोश। चलो साथ में पहिया घुमाते हैं। अरे नहीं, ब्रोकली, यह अच्छा नहीं हुआ। शायद तुम्हें भूख लगी हो, तो फिर इसे खाओ। मुझे इसे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। Well done. तुम सबसे अच्छे खरगोश दोस्त हो। अब अपनी जगह पर चले जाओ। मेरे मुंह में ब्रोकली क्यों है?
खैर ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास अभी भी बहुत सारे गाजर केक हैं। चलो फिर पहिया घुमाते हैं, कृपया कुछ स्वादिष्ट देना। अचार यह हुआ नहीं है जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। कुछ भी नहीं बदलेगा मैडम। इसकी महक, मुझे तो यह बर्गर में भी पसंद नहीं है। तब तो तुम निश्चित रूप से इसे केक पर भी पसंद नहीं करोगी। मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है कि इसका स्वाद कैसा होगा। मेरे लिए दुआ करना। ये लो, थोड़ा यह पी लो। छी, तुमने मुझे अचार का रस क्यों दिया? माफ करना, पर अभी इस पर बात करने का समय नहीं है। मुझे जल्दी से अपने केक को कैंडी से सजाना है। मुझे भी थोड़ा चाहिए। मेरे पास इसके लिए कुछ अलग योजना है। और यदि तुम चाहो तो मजे लेने के लिए शामिल हो सकती हो। ध्यान से देखो, मेरा केक एकदम सही टारगेट है। और अब बस इसे मीठे कैंडी से हीट करना है। मुझे यह खेल पसंद आने लगा है। ये बुलजाई, मैं देख रही हूँ कि किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। देखो और सीखो। मैं तो एक भी निशाना नहीं लगा पा रही हूँ। स्पष्ट रूप से मैं जीत रही हूँ और केक मेरा हुआ। ये बहुत नरम और स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। तो क्या मेरे पास कुछ भी नहीं बचा? एकदम सही केक। तुम फिर से जल्दबाजी करके आगे जा रही हो। वह पहिया ठीक है, चॉकलेट, और वो भी बढ़िया वाला। इस बात से कोई इनकार नहीं कि तुम किस्मत वाली निकली। मुझे लगता है कि मैं रैपर का भी उपयोग कर सकती हूँ। मैं अपने केक के ऊपर थोड़ा सा चमकीला रंग डालूंगी। वाह, यह बहुत सुंदर है। अब मेरे हाथ सोने से ढके हुए हैं। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस केक को सजाना है और इसके मजे लेना है। मैं बस यहाँ बैठकर तुम्हें खाते हुए नहीं देख सकती। एंचोवीज, नहीं यह नहीं हो सकता। डिब्बाबंद मछली से बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसकी महक तो पाताल लोक में भी पहुँच जाएगी। अच्छा होगा अपनी नाक बंद कर लो। मुझे ये सब जल्दी से खत्म करना होगा। मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे खा पाऊंगी। ऐसा लग रहा है कि मुझे जहर दिया गया है। मुझे भी। हमेशा की तरह अच्छा लग रहा है। चलो इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है? What? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओह, ये बहुत खट्टा है। वो मुझे एक सेकंड के लिए दो। अरे उधर क्या है? तुम देखते रहो और मैं ये स्प्रे करती रहूंगी। तुमने ऐसा क्यों किया?
खैर जो भी हो, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है कि सब कुछ ठीक कैसे किया जा सकता है। बस मुझे इतना करना है कि ऊपर की परत को हटा देना है और अपने केक के मजे लेना है। कितना बढ़िया स्वाद। अच्छे से किया दोस्त। चलो देखती हूँ मुझे क्या मिला है। कितना अलग सा। अच्छा लग रहा है। ये कितने स्क्वीशी हैं। मुझे लगता है ये मेरे डिजर्ट के साथ अच्छे से जाएगा। मैं इस पर सारे एक साथ डाल दूंगी। वाह। मैं खाने जा रही हूँ। ओह, ये मेरे गले में फंस गए हैं। इसे मेरे ऊपर क्यों थूका? माफ करना, गलती से हो गया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। ये लो। अब मामला बराबर हो गया। यह सबसे अच्छा केक है जो हमें पूरे दिन में दिया गया है। अब इसमें कुछ मीठा मिलाते हैं। गमी बियर, एकदम सही सामग्री। ये बहुत प्यारे हैं और बहुत सारे। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि मुझे भी कुछ अच्छा ही मिलेगा। गमी आंखें। इस दौर में हम दोनों ही किस्मत वाले निकले। अब हमें उस पहिए की जरूरत नहीं है। मैं कुछ मजेदार लेकर आई हूँ। तुम हमारे केक को जलाना चाहती हो? What the? बिल्कुल भी नहीं। मैं बस एक स्वादिष्ट टॉपिंग बनाने जा रही हूँ जिसे मैं ऊपर से डालूंगी। ये तो शानदार है। तुम बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन अब मुझे भी कुछ करने की जरूरत है। ओ, ये बहुत भारी है, इसे वहाँ मत रखो। क्यों नहीं, ये एकदम सही है। ठीक है, मुझे लगता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा दिखता है, अगर इसका स्वाद अच्छा हो तो। कहते दोस्तों, आशा है कि इसके नीचे कुछ अच्छा हो। चलो फिर पता लगाते हैं। अरे नहीं, कितनी बदबू आ रही है। मुझे इस तरह का चीज नहीं पसंद। मुझे भी यही मिला है। किस्मत ने हमारा साथ बिल्कुल नहीं दिया। मेरे वाले से कोई महक नहीं आ रही है, पर मेरे वाले से तो भयानक गंध आ रही है। कितना खराब। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उफ, अब सब ठीक है। और मेरे बारे में क्या? मुझे उसकी जरूरत तुमसे ज्यादा है जैस। ऐसा केवल तुम्हें लगता है, यह मेरा है। मेरे पास ये एक अच्छा टुकड़ा चीज है, तो आशा है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। महक तो काफी अच्छी है। मुझे ये बहुत पसंद आया। अगर ऐसा है तो क्या मैं एक बाइट ले सकती हूँ प्लीज? हाँ, ये लो। और यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम कितनी मतलबी हो। बिल्कुल नहीं, यह तो बस एक मजाक था और मुझे लगता है यह काफी मजेदार भी था। और वैसे मेरा हो गया तो शुरू करो। नहीं, इसके बदबू से ही मैं मर जाऊंगी। उफ़, मैं अपनी सांस रोकने की कोशिश करती हूँ। इससे कोई मदद नहीं हो रही है। कितना गंदा। या क्या किया? नहीं और नहीं। हाँ, और तुम्हें खाना ही होगा, इसका मजा लो यार। पर मुझे ये नहीं करना। ओ, शायद थोड़े स्ट्रॉबेरी सिरप से मदद हो। इससे काश चीज का पूरा स्वाद गायब हो जाए। यह सही नहीं है, यह नियमों के हिसाब से नहीं है। ओ, महक तो कमी हो गई होगी।
अब आशा है कि केवल स्ट्रॉबेरी का स्वाद आए। नहीं, अभी भी यह भयानक है। यह अच्छा हुआ। खाओ खाओ यार। उफ, तुम कितना परेशान करती रहती हो। क्या कर रही हो? बदला ले रही हूँ। काश कुछ अच्छा हो। चलो देखते हैं। एक आँख। ये कितना बड़ा है, मतलब किसी हाल में ये असली नहीं होगा। और यह सिर्फ नकली नहीं बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट भी है। ये मेरा चॉकलेट का बना हुआ है और ये कितना बड़ा है। जैस, क्या तुम ये देख रही हो? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अब खाने का समय है। यह तो कमाल का है, इतना सारा चॉकलेट, बहुत ही अच्छा। मुझे भी यह खाना है। नहीं, यह मेरा है। मुझे बस थोड़ा सा चखने के लिए चाहिए था। मैंने कहा नहीं। अच्छा, जो भी हो, मेरे पास खुद का है। स्वादिष्ट है पर चॉकलेट नहीं। मैं वो कैसे ले सकती हूँ? ओह, मैं गिर रही हूँ। अरे, ये तो कितना आसान निकला। लगता है अब इस चॉकलेट का मजा मैं ले सकती हूँ। ये हेलो। मेरे साथ वो करना एक बहुत ही बड़ी गलती थी, क्योंकि अब मैं वापस आ गई हूँ। यह क्या कर रही हो? अब तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। यह मेरी आंख है। इस बार क्या मिला है? रुक जाओ, मैं पहले देखूंगी। एक जूता? इसकी मुझे क्या जरूरत है? मेरे पास अपना है, शायद इसे खाया जा सकता है। छी, नहीं, यह कोई खाने की चीज नहीं है, बहुत गंदा। तुम उस सैंडल के साथ मजे करो जैस। हाँ हाँ, हंस लो। अभी भी नहीं पता है कि तुम्हें क्या मिला है। मैं यह पता लगाने ही वाली हूँ। ओ, यह कितना अच्छा है। मेरा हील सुंदर भी है और स्वादिष्ट भी। मुझे भी वैसा एक चाहिए। हाँ, चाहिए ही होगा। यह कमाल का है और इसके ऊपर स्कीटल्स भी है। मुझे एक टुकड़ा दोगी प्लीज? हाँ, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा। मैं अपना जवाब फाइनल कर चुकी हूँ। मैं सिर्फ स्टिलेटो का ही ले लेती हूँ। नहीं, हटो यहाँ से। उफ, कितनी लालची है। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ना कह कर थक गई हूँ। फिर यह लो। दोस्तों के साथ हमेशा बांटना चाहिए, पर अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो तुम्हें भी नहीं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ओ, इस बेकार से जूते पर मुझे थोड़ा चॉकलेट मिल गया और ये बहुत स्वादिष्ट है। तैयार हो तो खोलते हैं। एक फुटबॉल? मुझे भी यही मिला है, पर थोड़ा छोटा और एक अलग रंग में। यह तो मुलायम है। ओ, स्वादिष्ट, यह तो चॉकलेट है। ओ, काश मुझे वो बॉल मिलता, पर ऐसा नहीं हुआ। यह सिर्फ मेरा है, मैं इसे खा भी सकती हूँ और इसके साथ खेल भी सकती हूँ। ओ, शायद मैंने इसे ज्यादा ही ऊपर फेंक दिया। अरे यार, ये तो टूट गया। अच्छा, फिर मैं कुछ टुकड़े ले लेती हूँ। किसने कहा कि तुम ऐसा कर सकती हो? ये मेरे हैं। यह इतना स्वादिष्ट है और जब डिजर्ट की बात हो तो मैं किसी को नहीं देती। उफ, फिर मैं इसके साथ क्या करूं? वैसे मुझे लगता है कि यह काफी काम आ सकता है। इतना काफी नहीं था, चलो फिर से। सच में वो तो जरा सा भी नहीं हिली। मुझे पता है, मुझे एकदम कस के मारना होगा। इस तरह आखिरकार जो मैं चाह रही थी हो गया। यह दुनिया का सबसे अच्छा बॉल है। अभी क्या हुआ? ओ, चॉकलेट, बहुत बढ़िया। यह तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ तुम फिर नीचे लेट जाओ। मैं यह पता लगाने का इंतजार नहीं कर सकती कि हमारा आखिरी डिश क्या है।
वाह, एक बिल्ली, देखो कितनी प्यारी है। हाँ, बहुत प्यारी है, मुझे ये बहुत पसंद है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। चॉकलेट के साथ तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ। अगर तुम्हारा चॉकलेट था तो मेरा क्या है? ओ, एक छोटी सी बिल्ली। अरे वाह, हाथ धो रखो, ये मेरी है। ठीक है, मैं अपने डिजर्ट के साथ खुश हूँ, मैं ये खा सकती हूँ। मेरे पास अपने किटी के लिए एक ट्रीट है, बिल्लियों को दूध बहुत पसंद होता है। देखो ये पी रही है। वाह, तुम्हें पता है क्या, मुझे भी दूध पीना बहुत पसंद है। और यह मेरे डिश के साथ अच्छे से जाएगा। देखो, चॉकलेट किटी को भी दूध असली वाले जितना पसंद है। बहुत प्यारा, हमारी बिल्लियाँ एक दूसरे की तरह हैं। हाँ, पर ज्यादा देर तक नहीं। वो कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे खाने का मन कर रहा है। हाँ, ये है ही स्वादिष्ट। और अब ये खुला है तो इसे एक कप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत अच्छा। ओ, मुझे बहुत जलन हो रही है और मुझे भूख भी लग रही है, पर मैं अपनी बिल्ली के साथ ही खेल लेती हूँ। ये मेरा प्यारा लायन किंग है। वाह, मुझे लगता है वह थोड़ी पागल हो गई है। ये सबसे अच्छी है, पता है। देखो, मुझे चॉकलेट बार के साथ कितनी अच्छी मशीन मिली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चुनूं। यह बहुत सारी चीजें हैं और मेरे पास एक गम मशीन है, यह बहुत भारी है। वाह, यहाँ इनमें बहुत सारे हैं। मैं खुश हूँ। इसे पाने के लिए हैंडल को घुमाना होगा, मैं कोशिश करूंगी। वाह, यह काम करता है। पता नहीं सारे गम का स्वाद कैसा है। सेब की तरह लगता है और इसके अंदर फीलिंग भी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। देखो मेरा गम कितना स्ट्रेच करता है, बहुत मजेदार है, बस सुपर। ए, तुम कोई अलग स्वाद क्यों नहीं ट्राई करती? अच्छा आइडिया है, लेकिन अब मैं ये हैंडल घुमा नहीं पा रही हूँ, लगता है जैम हो गया है। मुझे कोशिश करने दो। तुम सही हो, यह काम नहीं कर रहा है, लेकिन कोई रास्ता तो होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मशीन को खोला जा सकता है। चलो ये कोशिश करते हैं, आशा करती हूँ तुम सही हो। वाह, यह काम किया, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी मैरी। यह लो, तुम्हें धन्यवाद देने के लिए यह है, इसे खाओ। और मैं अपने लिए एक साथ बहुत सारे स्वाद का मजा लूंगी। वाह, इसका स्वाद तो कमाल का है। मैं अपने मुंह में और भी अधिक गम भरने की कोशिश करूंगी। मैं खुश हूँ कि तुम्हें यह पसंद है। मुझे उम्मीद है कि मेरी मशीन भी मुझे निराश नहीं करेगी। शायद कैंडी बार पाने के लिए बटन दबाने की जरूरत है। ओह, यह काम नहीं कर रहा है। ओह, यह रहा। वाह, ट्विक्स। वाह, तुमने अच्छे से पंच किया, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगता था कि इस तरह से काम करता है। वाह, यह तो मस्त है। मेरे पास पहले से ही दो बार है। यह रुकने का समय नहीं है, चलो जारी रखते हैं। यह बहुत ही रोमांचकारी है। वाह, यह कितने सारे हैं, शाबाश। ठीक है, अब मैंने सारी कैंडीज इकट्ठी कर ली है, अब इन्हें खाने का समय आ गया है। ओ यार, यह कितना स्वादिष्ट है, बस मुंह में घुल ही जा रहा है। ओ, मैं कितनी खुश हूँ। देखो कितना कारमेल है, इसलिए मुझे मार्स इतना पसंद है, लेकिन कुरकुरे कुकीज के साथ मुझे ट्विक्स बहुत पसंद है। ओ हाँ, यह हमेशा की तरह स्वादिष्ट है। ठीक है, मैं और भी खाऊंगी, मैं चॉकलेट की दीवानी हूँ। मुझे ये सच में बहुत पसंद है, केवल एक बार बचा है। ये अफसोस की बात है कि सभी अच्छी चीजें तुरंत खत्म हो जाती हैं। यह सच में मशीन में कुछ नहीं है। ओह, चलो काम करो, मुझे और चाहिए। मैरी, तुम कैसी हो, सब कुछ ठीक तो है ना? चॉकलेट का प्यार किसी दिन उसे बर्बाद कर देगा। यह अच्छा है कि मुझे पता है कि समय पर कैसे रुकना है। इतने सारे च्युइंगम, मैं शायद ही उन्हें गिन सकती हूँ। यह अद्भुत है।
देखो केट, कितनी सुंदर और नाजुक चॉकलेट पिरामिड है। मुझे सांस लेने में भी डर लग रहा है कि ये गिर ना जाए, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी होगी, इसलिए आगे बढ़ो। तुम सही कह रही हो, क्या अच्छा निकला, मुझे पसंद आया। मैं जो कुछ बचा है उसे गिराना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, और थोड़ा और, बस हो गया। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन बहुत रोमांचक था। अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, देखो मैं कर रही हूँ। ये कितना अच्छा है, मुझे लगता है कि अब हम सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। तुम सही कह रही हो, चलो एक मिनट भी बर्बाद मत करो। मेरा गम बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे गुलाबी रंग पसंद है। कितना नरम और मीठा, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं अपनी चॉकलेट को खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कितना मुलायम है, ये इतनी आसानी से टूट जाता है। वाह, मिल्की स्वाद, हम खुशनसीब हैं। हे किट, मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें मेरी योजना पसंद आएगी। शानदार, मुझे तुम पर गर्व हो सकता है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, चलो जल्दी शुरू करो। तुम सही कर रहे हो, मैं फेंकती हूँ, तुम पकड़ो। ठीक है, अब हम पारी बदल लेते हैं। अपना मुंह पूरा खोलो, और मैं और नहीं डाल पा रही हूँ। यह क्या है, मेरी शांति से बैठो। आज बिल्कुल मेरा दिन नहीं है, मैं बिल्कुल भी लकी नहीं हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। खैर, मैं कभी और कोशिश करूँगी। तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था कि तुम्हारा निशाना इतना खराब है, तुमने एक बार भी हिट नहीं किया। यह अच्छा है कि चॉकलेट फर्श पर नहीं गिरा। ये न्यूट्रेला कितना अच्छा लग रहा है, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। और मुझे एक ट्यूब में गम मिला है, यह भी बुरा नहीं है। मुझे तो ये बहुत ही अलग सा लगता है, यह टूथपेस्ट की तरह है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसका स्वाद बिल्कुल अलग है। वाह, मैं सही थी, यह बहुत बढ़िया है। माफ करना मैरी, लेकिन मुझे अभी बाइट लेना है। सुपर, मुझे इतने स्वादिष्ट होने की उम्मीद नहीं थी, मुझे और 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 बहुत सारे चाहिए। मुझे सच में बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन यह क्या ट्यूब खाली हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्या करने वाली हो कैट, मैं उसे काट दूंगी। मुझे यकीन है कि निश्चित रूप से अंदर कुछ गम बचा है, मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकती। वाह, लगता है कि मैं सही थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि कितना स्वादिष्ट है। अब न्यूटेला को खाने की मेरी बारी है, पर इसे खोलू कैसे। ओह वाह, ये काम कर गया। तुम इसे आसानी से संभाल सकती हो मेरी। हाँ, मुझे लगता है तुम सही कर रही हो। देखो मेरा चॉकलेट पेस्ट, ये कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, बस मेरे चेहरे पर मत लगाओ, माफ करना, मैं ज्यादा ही खुश हो गई थी कि ये मुझे मिल गया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वादिष्ट है, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुमने सही समझा मैरी, तुम चॉकलेट में ढकी हुई हो। हे, मेरे मन में एक आइडिया है, कैसा होगा अगर हम अपने ट्रीट्स को आपस में मिला दे तो, गम और न्यूट्रेला, हम ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है कुछ असामान्य निकलेगा। चलो तुम पहले शुरू करो, मुझे आशा है कि मैं निराश नहीं होंगी। अच्छा है, अच्छा तो हमारी योजना काम कर रही है। मैं बबल बनाने की कोशिश करूंगी और फिर यह अचानक चॉकलेट बन जाएगा। सच में यह जांचना होगा। क्या हो रहा है मैरी, माफ करना, मैं अपने को रोक नहीं पाई, मैं तुम्हारा बबल फोड़ना चाहती थी। तो क्या यह मजेदार निकला, हम सब गंदे हैं और मुझे यह पसंद है, क्या हमें जारी रखना चाहिए। बेशक, यह रंग वास्तव में तुम पर सूट करता है। किंडर सरप्राइज, वाह यह कितना अच्छा है। ओ, यह क्या है, यह च्युइंगम के लंबे टुकड़े है, जिस तरह से लटके हुए है मुझे बहुत पसंद है। चलो समय बर्बाद मत करो, मैं अपनी चॉकलेट को खाने के लिए तैयार हूँ। मुझे आशा है कि अंदर एक सरप्राइज है, मैं यह पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मुझे सरप्राइज पसंद है, लेकिन केवल अच्छे वाले। वाह, यह दो हिस्से में है, मुझे किसके साथ शुरुआत करनी चाहिए, शायद इसी के साथ। यह एक चम्मच है। वाह, अंदर एक खिलौना है, मुझे पता था कि अंडे में एक उपहार है। हमें भागों को इकट्ठा करने की जरूरत है, मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं है। मैंने कर लिया, वाह कितना प्यारा भालू है, उसके पास एक क्राउन भी है। ओ, मैं दूसरे भाग के बारे में लगभग भूल ही गई। सुपर, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दिखाओ मेरी। क्या ये मेरे लिए है, धन्यवाद। वाह,
यह अंगूठी बहुत सुंदर है। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। यह देखने का समय कि अंडे के दूसरे हिस्से में क्या है। चॉकलेट बॉल क्रीमी पेस्ट के साथ, सुपर। अब चम्मच का उपयोग करने का समय है। मैं उसे चखूंगी। यह कितना मुलायम और क्रंची है, एकदम सही कॉम्बिनेशन। यह अद्भुत है। अच्छी बात है कि तुम्हारे पास और है। हाँ, मुझे याद है, मैं बहुत लकी हूँ। मुझे लगता है मैं इसे ऐसे ही खाऊंगी। मुझे चम्मच की भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही खाऊंगी। अब मुझे मेरा गम खाने दो। मुझे किसके साथ शुरुआत करनी चाहिए? मैं इसे चुनूंगी। आशा करती हूँ कि मैं निराश नहीं होंगी। मुझे ये बहुत पसंद आया। स्वाद को अच्छे से महसूस करने के लिए मुझे और लेना होगा, इतना काफी होगा। ओ हाँ, जैसा मुझे चाहिए था। लगता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। देखो मैरी, क्या मैं ऑक्टोपस की तरह दिखती हूँ? ओ हाँ, बिल्कुल वैसी ही। कितना मजेदार, मुझे और चाहिए। मुझे अपना गम पसंद है, मुझे ये सब खाना है। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतना खा सकती हो। मैं इतना इसलिए खा रही हूँ कि मुझे एक बड़ा बबल बनाना है। तैयार हो जाओ, अब तुम देखना। वाह, वो वास्तव में बड़ा है। शायद अब रुक जाना चाहिए। हे केट, क्या तुम मुझे सुन रही हो? ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ओह, क्या विस्फोट है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। हे, तुम ठीक तो हो ना? चलो देखते हैं कि ये चुनौती किस तरह निभाती हो जिसकी मैंने व्यवस्था की है। मेरे लिए तो शुरुआत से ही भयानक है। मैं यह प्याज खाना नहीं चाहती हूँ, पर मुझे यकीन है कि मैं इसे संभाल लूंगी। छी, नो। तुमसे कुछ महत्वपूर्ण चीज छूट रहा है, कुछ स्प्रिंकल्स। धन्यवाद, यह बहुत बेहतर है। थैंक यू। नहीं, इसका स्वाद अभी भी बहुत भयंकर है। अच्छी बात यह है कि मुझे एक बड़ी चुपा चुप मिल गई है। यह सही नहीं है। माफ करो अगर तुम्हें ऐसा लगता है। मुझे यकीन है कि यह सखर चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से जाएगा। स्वादिष्ट। मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हुए मुझे इस ट्रीट में से कुछ मिलाना चाहिए। वसाबी कैसा रहेगा? चलो देखते हैं कि यह तुम्हारे डिजर्ट के साथ कैसा लगेगा। और ज्यादा चॉकलेट? हाँ हाँ, जितनी चाहो उतनी लो। यह कितना तीखा है। यह क्या बकवास है? क्यों सूजी, आखिर क्यों? मुझे लगा तुम्हें यह पसंद आएगा। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे इस बार पॉपसिकल मिला है जबकि मुझे मिर्च दिया गया है। मैं इन्हें नहीं खा सकती। खैर, तुम अपना समय लो, तब तक मैं अपने इस बर्फ की तरह ठंडे ट्रीट को चॉकलेट में डुबोती हूँ। यह लाजवाब है, मैं तो खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ। क्या तुम उसमें से एक मुझे नहीं दे सकती? अरे नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारी मिर्च है, उसका आनंद लो। ठीक है, मैं एक छोटा टुकड़ा काटती हूँ। ओह, और यह भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मुझे कुछ ठंडा चाहिए। उफ, ओह, इसने सच में मुझे बचा लिया। मैंने तुमसे कहा था कि यह पॉपसिकल बहुत अच्छे हैं। ओह, शुक्र है, चिप्स से बेहतर कुछ भी नहीं होता है। खैर, मैं ऐसा कुछ इस अचार के बारे में नहीं कह सकती हूँ, पर शायद यह मीठी चीज उसके स्वाद को बढ़ाएगी। यह तो भयावह लग रहा है। छी, मैं इसे नहीं खा सकती।
वैसे यह देखने में बिल्कुल भी सुखद नहीं था। मैं कुछ अच्छा खाकर कोशिश करूंगी कि यह भूल जाऊं। मैं इसे अभी भर देती हूं। चॉकलेट चिप्स, हालांकि इसकी कोई जोड़ी नहीं बनती, यह बिल्कुल नया और अद्भुत है। अब मैं इसे खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ, ये तो उंगली चाटने लायक अच्छा है। मुझे उनमें से एक लेना है। मोनिका को पता भी नहीं चलेगा, मैं इसे चुपके से ले लूं। हाँ? हाथ हटाओ सूजी, ये सब मेरे हैं। नैन नैन। वाह, मेरे लिए एक और स्वादिष्ट डिश। मुझे पता है कि चॉकलेट पूरी तरह से तरबूज के साथ जाएगी, पर इस पूरे नींबू के साथ नहीं। बस इसे देखकर मुझे खट्टेपन का एहसास हो रहा है। आशा है कि इस चॉकलेट की वजह से शायद इसका खट्टापन कम हो जाए। मुझे शुभकामनाएं दो। ओह, इतना खट्टा, यह असहनीय है। मैं अब और नहीं देख सकती, पर तुम कर सकती हो। बस हो गया, अब मैं और नहीं कर सकती। मुझे बस यही सादा पुराना चॉकलेट चाहिए, नींबू के बिना। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे पता था यह बहुत शानदार है। तुम आखिर हमेशा इतनी भाग्यशाली कैसे हो जाती हो? शायद मैं ऐसे ही पैदा हुई हूँ। रिंग पॉप्स, यह कितना मजेदार है। आखिर मुझे कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? यह सिर्फ क्रूर हो रहा है। तुम्हारे लिए कैंडी और मेरे लिए ब्रोकली दिया गया है। ठीक है, कम से कम तुम्हारे लिए अच्छा है। या सिर्फ मेरे सबसे अच्छे गहने हो सकते हैं, या कम से कम स्वादिष्ट हो सकते हैं। मैं उन्हें खाना शुरू करके खुश हूँ। चीनी से बने हीरे अब तक के सबसे अच्छे हैं। मैं भी ऐसा भी नहीं कर सकती हूँ। अब ये सब बंद करो और अपनी ब्रोकली खाओ। ठीक है, फिर मैं इसे खाऊंगी। और तुम्हें पता है क्या, यह बहुत स्वादिष्ट है। जैकपॉट और मीठा ट्रीट, एक पूरी कटोरी भरकर स्कीटल्स। सपने सच में सच होते हैं। चिकन तो बहुत अच्छा होता है, पर चॉकलेट के साथ नहीं। तुम बस कभी खुश नहीं होती हो। शांत रहो और आराम करो मेरी तरह। वाओ, मुझे एक शानदार रेसिपी मिली है, स्कीटल्स और चॉकलेट। इसे याद रखो और तुम बाद में इसे अपने लिए बनाना। अब डिंगे मारना बंद करो। ठीक है, मैं तब यह चिकन खाती हूँ, फिर बताना यह कैसा है। सामान्य रूप से मैं भी इसे भयानक मान रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। तुम्हें पता है मोनिका, यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। सच में? हाँ, मैं आखिर तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। मुझे भी एक टुकड़ा दो, मैं भी चखना चाहती हूँ। और मैं इसे सभी स्कीटल्स में डुबोकर इसे और बेहतर बनाऊंगी। यह कितना सुंदर दिख रहा है। और ओह, भयावह सूजी, तुमने मुझे यह कचरा खिलाकर धोखा दिया। माफ करना। ओह, चुभ गया। मुझे एक कटीला कैक्टस मिला है, मैं इसे कैसे खा सकती हूँ?
चीजें आखिरकार मेरे पक्ष में आ रही हैं। केला चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से चलते हैं, मुझे पता है। पहले से छीलना है। ओह, मैं इस डिश के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। तैयार। अरे हाँ, यह बस जादुई है। यह वास्तव में अच्छा लग रहा है और इसका स्वाद और भी अच्छा हो गया है। उप्स, उप्स। कितनी बुरी हो तुम। तुम केवल इसलिए नाराज हो क्योंकि तुम भूखी हो। अपना कैक्टस खाओ और अब मैं अपना पूरा फल खाती हूँ। मुझे इस बात का कोई सुराग नहीं है कि वास्तव में यह सच कैसे हो सकता है। पहले इसे ट्रिम कर देती हूँ। मुझे लगता है यह काम कर रहा है। और यह हो गया। और अब जितना संभव हो उतना चॉकलेट की परत लगा देती हूँ। अजीब स्वाद है। और इसके अंदर क्या है? ओह, गमी वर्म्स। अब ये एक सुखद आश्चर्य है। मैं इन सबको बाहर निकालती हूँ। मैं एक बार फिर से भाग्यशाली निकली। क्या इस दुनिया में न्याय जैसी कोई चीज नहीं है? मुझे अब भूख नहीं है। एक बर्गर, बर्गर, और मुझे इसे चॉकलेट में डुबोना होगा। यह अब तक की सबसे बड़ी गमी भालू है जिसे मैंने अब तक देखा हो। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मुझे तो इस तरह के असामान्य कॉम्बो की आदत पड़ गई है और अब मैं उम्मीद नहीं छोड़ रही हूँ कि यह अच्छा होगा। वाह, यह वास्तव में बुरा नहीं है। घिनौना है, तुम इसे कैसे खा सकती हो? मुझे यह पसंद आया और एक सेकंड के लिए भी मैं ना नहीं कहूंगी। कुछ लोग सिर्फ अजीब होते हैं। यह गमी बियर मेरी शैली का अधिक है। मैंने जितना सोचा था उससे बेहतर। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं खाकर देखूं? क्या तुम वास्तव में? हाँ, मुझे दो। ओ, माफ करो पर तुमने इसे वापस मांगा था।